गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आज हम शाम को अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते हैं। ये जो वीडियो है वो क्लास सिक्स के लिए है। मैथ्स का एक्सरसाइज जो हमारी चल रही है वो है 1.7, और हमने इसके पांच सम कंप्लीट कर लिए हैं। चार सम इसके फिफ्थ सम से कंटिन्यू करते हैं। देखिए एक्सरसाइज 1.7, क्वेश्चन नंबर 5। ये राउंड ऑफ नियरेस्ट नंबर की एक्सरसाइज है। पहले इसके चार सम आपको करवाए गए थे, फिर बीच में आपको समझाने के लिए दूसरा एक वीडियो डाला गया था जिसमें सभी नंबर्स का नियरेस्ट निकाल के दिखाया था, 1 से 10 से लेके लाख तक का, ताकि आपको एक्सरसाइज समझ में आ सके अच्छे से। और आज हम अपने एक्सरसाइज कंटिन्यू करते हैं आगे। देखिए फर्स्ट है हमारा ए, फिफ्थ का एस्टिमेट है। एस्टिमेट ये हमारा समय, इसमें क्या दे रखा है, ए दे रखा है 89 माइनस 32, ये है हमारा। तो 89 का नियरेस्ट 10 क्या होगा, 90, ठीक है, और इसका नियरेस्ट 10 होगा 30, तो इसका आंसर हो जाएगा 60, ठीक है। इसी प्रकार आपका बी है, आपका क्या 6365 माइनस 3830। देखिए दोनों में बराबर, वंस टेंथ हंड्रेड थाउजेंड, वंस टेंथ हंड्रेड थाउजेंड, तो इसका नियरेस्ट 1000 निकालेंगे, तो इसका नियरेस्ट 1000 हो जाएगा 6000, और इसका हो जाएगा 4000, तो आंसर हो जाएगा इसका 2000, ठीक है। इसी प्रकार इसका सी पार्ट क्या है आपका, देखिए 5673 माइनस 436। देखिए ये तो 100 है और ये क्या है 1000 है, तो जहाँ हमारे पास इस प्रकार के डिफरेंस होगा तो उसमें जो लोवेस्ट होगा नियरेस्ट, हम उसका मान के चलते हैं, ठीक है। तो इसका हमें क्या करना है, ये 5000 के बजाय 673 का हम क्या मानेंगे, नियरेस्ट निकालेंगे, तो इसका नियरेस्ट क्या हो जाएगा 700, और 5 का 5, और इसका क्या हो जाएगा, नियरेस्ट हो जाएगा 400, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 5300, ठीक है, ये इसका नियरेस्ट होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से बता देता हूँ। देखिए वंस टेंस हंड्रेड, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड, तो हम 1000 का निकाल के न के हम सिर्फ क्या होंगे 673 का नियरेस्ट निकालेंगे, तो 673 का नियरेस्ट क्या होगा 700, 5 का 5, इसी तरह 436 का नियरेस्ट होगा 400, तो हाँ इसमें से माइनस कर दिया, ये हो गया, ठीक है। इसी प्रकार आपका डी है, इसका डी पार्ट देखिएगा आपका क्या है 1 1 2 9 3 5, ठीक है, ये है, और ये माइनस 3 9 8 0 6, ये है। तो यहाँ देखिए वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लाख, तो लाख का नहीं निकालेंगे हम, नियरेस्ट 10000 निकालेंगे, तो ठीक है ये हम इसको छोड़ देते हैं। ये क्या है 12000, जो किसके बीच में आता है 10000 और 20000 के बीच में, और इसका मिड पॉइंट क्या है 15000, जो किससे, ये 15000 से कम है, तो इसका नियरेस्ट 10 होगा 1,10,000, ठीक है। माइनस ये क्या होगा, ये किसके बीच में आएगा 30000 और 40000 के बीच में, और इसका नियरेस्ट मिड पॉइंट क्या होगा 35000, जो कि 35000 से ज़्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा 40000, इसका नियरेस्ट हो जाएगा 40000, और इसका आंसर हो जाएगा 70000, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में भी क्या कह रहा है हमारा, गिव ए रफ एस्टिमेट एंड आल्सो द क्लोजर एस्टिमेट। इसमें भी देखिए ठीक इसी प्रकार से है, क्वेश्चन नंबर 6 का ए, 6 का ए है गिव ए रफ एस्टिमेट, इसमें भी गिव ए रफ एस्टिमेट है, सेम इसमें भी यही है आपका क्या 4515 माइनस आपका 719, तो हम इसमें भी क्या ले लेंगे, इसका भी 4500 नियरेस्ट हो जाएगा, इसका 700 इसमें से माइनस कर दिया तो क्या हो जाएगा 3800 इसका नियरेस्ट आ गया, ठीक है। इसका बी देखिए
क्या होगा इसका बी, इसमें दो ही है हमारा, जीरो छः, ठीक है ये है। और अगला -189, ठीक 189, 390 ये है। देखिए वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लाख, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लाख, यही भी है। तो ये किसके बीच में आता है, 5 लाख और 6 लाख के बीच में आता है। तो मिड पॉइंट क्या है, 5,50,000 जो कि कम है, तो इसका हो जाएगा 5 लाख। ये हो गया वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लाख, और ये किसके आ गया, 1 लाख और 2 लाख के बीच में है, तो इसका जो मिड पॉइंट होगा 1.5 लाख, 1.5 लाख से ये ज़्यादा है, तो इसका नियरेस्ट हो जाएगा 2 लाख। वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लाख, तो इसका आंसर होगा 3 लाख, ठीक है। ये हमारे क्वेश्चन नंबर फिफ्थ और सिक्स्थ कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक। अब इसी प्रकार हम इसको क्वेश्चन नंबर सेवन कंप्लीट करेंगे और एट भी, फिर हमारी एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी। काफ़ी दिन से चल रही थी, बीच बीच में हम इसको कंटिन्यू नहीं कर पाए थे, आज इसको क्लोजर दे देंगे हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेवन देखिए क्या है, एस्टिमेट, ठीक, एस्टिमेट द फॉलोइंग प्रोडक्ट, एस्टिमेट द फॉलोइंग फॉलोइंग प्रोडक्ट, ठीक है। ये है इसका ए क्या है, देखिए आपका 42 × 195, ठीक है। इसका नियरेस्ट 10 होगा 40, इसका नियरेस्ट 10 होगा 200, तो कितना हो गया 8000, ठीक है। इसी प्रकार बी, इसका बी क्या है आपका, 525 × क्या है 78, इसका नियरेस्ट क्या होगा 500 × इसका नियरेस्ट क्या होगा 80, तो ये भी क्या हो जाएगा 40,000, ठीक है। ये हो गया आपका सी, देखिए सी का सी पार्ट क्या है इसका, इसका सी पार्ट देखिए आप क्या होगा, सी ओ 439 435 × 7, यही है ना। देखिए इसका इसमें, वैसे तो अगर हम ये कहें इसका ये क्या होगा, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड, 4000 और ये 5000 के बीच में आती है, तो मिड पॉइंट है 4500, जो कि ये उससे कम है, तो इसका नियरेस्ट हो जाएगा 4000। और वैसे देखा जाए तो इसका नियरेस्ट 10 होने, इसका नियरेस्ट क्या होना चाहिए था, 10 लेना चाहिए था, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब हम इसका ले रहे हैं तो इसका भी ले रहे हैं, लेकिन आंसर में इसको एज इट इज रखा गया है, तो हम इसको चाहे तो अगर 7 मान लेते हैं तो हमारा आंसर मैच हो जाएगा 28,000, ठीक है। अगर कोई बच्चा इस प्रकार से कर लेता है इसको 4000 × 10, तो भी गलत नहीं है, क्यों, क्योंकि जब हम इसको नियरेस्ट लेके चल रहे हैं तो हम इसका भी नियरेस्ट लेके चलते हैं, सिर्फ एक एक हिसाब से हम इसको नहीं लेके चल रहे, क्योंकि हम इसका नियरेस्ट 10 लेके चलते तो इसका भी हम नियरेस्ट 10 लेते, जो कि इसकी वजह से फिर हमारा सामान इस प्रकार से नहीं होता, तो आप इसी प्रकार से इसको करेक्ट कीजिएगा, ठीक है। ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर जो हमारा जो है, इसी का एक और ई पार्ट भी रहता है इसका, सॉरी ई पार्ट क्या है आपका, 293 × 426, तो ये 300 हो जाएगा, मैं ये इसका नियरेस्ट हो जाएगा 400, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 12,000, ठीक है। इसका एफ पार्ट देखिए क्या है, 8,859 × क्या होगा 378, इसका देखिए
ये क्या हो गया, 800 और 900 के बीच में आता है, तो 850 इसका मिड पॉइंट होता है जो कि उससे ज़्यादा है, तो हम इसको ले लेंगे 900, और इसका हो जाएगा 400 इज इक्वल टू 36,000। ठीक है, आंसर यही रहेगा, बुक में से आंसर गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 हम सॉल्व करते हैं। देखिए आपका एस्टिमेट द फॉलोइंग क्वेश्चन, एस्टिमेट इसमें भी क्वेश्चन नंबर 8 है, वो देख लीजिएगा क्या है। ए हमारा क्या है, 72/7। ठीक है, तो 70/7 इज इक्वल टू, इसका नियरेस्ट 10 कर लिया तो इसका आंसर हो गया 10। ठीक है, बी हमारे में देखिए सभी में डिविडेंड को ले रखा है, 82/18, तो ये क्या आ जाएगा, इसका नियरेस्ट हो जाएगा 80, इसका नियरेस्ट हो जाएगा 20, तो 20 से डिवाइड किया, इसको क्या हो जाएगा 4, क्या आ जाएगा 4। ठीक है, सी देखिए, सी हम इसका क्या है हमारा, 235, 235/16। अगेन इसका क्या हो जाएगा, 200 नियरेस्ट, 250 से कम है ये, और इसका ये हो जाएगा 20, तो आंसर हो जाएगा 10। इसको डिवाइड करके देख लीजिएगा। ठीक है, इससे डी पार्ट देखिएगा, इसका क्या है हमारा, 939/ किससे डिवाइड कर रहा है ये, 36 से, किससे डिवाइड कर रहा है, 36 से, तो इसका 900 कितना हो जाएगा, 900/ किससे, यहाँ पे ये गलत होगा क्योंकि ये भी आपका 36 मिड पॉइंट है, तो इसको हम अगर 40 लेते हैं तो भी हमारा बात नहीं बनेगा। देखिए क्या है आपका, ये सवाल गलत होगा क्योंकि इस प्रकार से पूरा पूरा जाएगा नहीं, या तो हमें यहाँ ये लेना पड़ेगा 4। ठीक है, अगर हम इसको 6 ले लेंगे तो 40, 40 में तो पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, तो इसलिए ये मैच नहीं करेगा, क्योंकि ये या तो हम इसको 800 लेंगे यहाँ पे, या तो इसको 800 लो, यहाँ पे क्या होगा, जैसे हम 8 ले लेंगे इसको, ठीक है, तो 8 ले लेंगे तो ये नियरेस्ट क्या हो जाएगा, 800। अब 800 को 40 से डिवाइड करेंगे तो कितने पे जाएगा आपका, 20 पे, तो ये इस प्रकार से आ जाएगा, तो यहाँ पे आप इसको 9 और यहाँ पे हम इसको ले लेंगे 4, तो अब हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, नियरेस्ट 900, और ये हो जाएगा नियरेस्ट 30, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 30। ठीक है, क्योंकि वैसे तो पूरा पूरा डिवाइड जाएगा नहीं। ई देखिए, इसका ई 1623/173, तो ये क्या है, देखिए ये किसके बीच में है, 1000 और 2000 के बीच में, तो मिड पॉइंट है 15,1500, जो कि उससे ये बड़ी रकम है, तो बड़ी रकम है तो ये किसके नज़दीक हो जाएगा, नियरेस्ट, इसका नियरेस्ट है 2000 और इसका नियरेस्ट क्या हो जाएगा, 20। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 आ जाएगा हमारा आंसर। देखिए कैसे, हम रफ में करके देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं, 20, 0, 100। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस प्रकार से हमें, सॉरी यहाँ मैंने गलत कर दिया, देखिए 0 एक और आएगा, 200 है, तो अब हम आंसर आएगा 10। ठीक है, ये देखिए 173 के नियरेस्ट क्या होगा, 200 होगा, 20 नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे शुक्र है ध्यान आ गया, वरना ये कहता सर भी गलत ही पढ़ाते हैं, मिस्टेक, थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, काफ़ी वीडियोस बनती हैं दिन में, उसमें एफ एफ का ऑप्शन क्या है हमारा, 8706, 8706/ कितना, 293 से, 293, तो देखिए ये भी क्या है, 8000 और 9000 के बीच में आता है, तो मिड पॉइंट होता है 8500, जो कि उससे बड़ी रकम है, तो इसका नियरेस्ट क्या हो जाएगा, 9000, और ये इसका नियरेस्ट हो जाएगा 300। ठीक है, तो अब 300, 9000 को 300 से डिवाइड कर दिया, 0, 0, 0, 0, और 3 1 जा 3, 3 जा 9, तो कितना आ जाएगा,
30 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारी आज एक्सरसाइज 1.7 कंप्लीट हो गई है। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है इसको अपनी फेयर नोटबुक में प्रैक्टिस करें, इसको कर लें। आपको जितनी आप मैथ की प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा, आप भूलेंगे नहीं। थैंक यू, गुड नाइट।